आदरणीय भैया प्रणाम। आशा है आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ। इस बार गर्मी कुछ ज़्यादा ही तेज है, पर अच्छा ही है, मसाले पापड़ जल्दी सूख जाते हैं। कल जब आपका फ़ोन आया, मैं छत पर मिर्च सुखा रही थी, घंटी बजते ही पहचान लिया कि आप ही का फ़ोन होगा, पर नीचे आके हाथ धोने तक कॉल पूरी हो चुकी थी। मम्मी ने बताया कि आपको नया घर और नई नौकरी मिली है, मुबारक हो। माँ ने ये भी बताया कि इस बार भी आप राखी पर नहीं आ पाएंगे। कितनी सारी बातें आपसे करनी थी, इसीलिए सोचा कि ये खत लिख दूँ। माँ ने आपको नहीं बताया ना कि बाबा की तबीयत अभी तक ठीक नहीं है। कैसे ठीक होगी, दवा ज़रा भी वक्त पर नहीं लेते, ख़त्म हो जाए तो बताते नहीं, हर छोटी छोटी बात की चिंता लेकर बैठ जाते हैं। सबसे ज़्यादा मेरी शादी की। हफ्ते पहले एक रिश्ता आया था, लड़का सरकारी नौकरी में है, मैंने तो तुरंत हाँ कर दी, पर लड़के वालों की तरफ से इनकार हुआ। वजह ठीक से बताई नहीं, पर माँ बाबा की बातों से लगा कि शायद उन्हें हमारी आर्थिक हालत से आपत्ति थी। आपको शायद पता नहीं, घर और ज़मीन दोनों गिरवी है। माँ हर महीने अपना कोई ना कोई जेवर बेच आती है, याद है वो चूड़िया माँ के हाथों की, जिनसे हम खेलने के लिए बचपन में झगड़ते थे, अब उनमें से एक भी नहीं बची। मैं मना करती हूँ तो मेरी सुनती नहीं, आप कह देंगे शायद सुन लेगी। मायूस हो जाती हूँ ये सोचकर कि अगली बारी मेरी इन बालियों की होगी जो आपने दिए थे। फिर सोचती हूँ कि अगर मेरी भी आपकी तरह, या मेरी वो सहेली है ना रीटा, उसकी तरह कोई नौकरी होती तो सब कुछ कितना आसान होता। घर पर कोई कर्जा ना होता, मैं घर की मरम्मत करवाती। हर बारिश में जगह जगह पर छत के नीचे पतीले रखने पड़ते हैं। माँ के लिए साड़ी लाती, बाबा के लिए फल दूध और अच्छे अच्छे डॉक्टर ले आती। अगर दूसरे शहर भी जाना पड़ता मुझे तो फ़ोन उन्हें ज़रूर करती। देखा है ना मैंने, बहुत खुश होते हैं माँ बाबा जब हर 3-4 महीने के बाद आप फ़ोन किया करते हैं। बात 5 मिनट की होती है, पर खुशी कम से कम 5 दिन झलकती है। आप ये ना समझना कि मैं आपको ताना दे रही हूँ, आपकी तो कोई गलती नहीं, आपको तो ये सब पता नहीं। माँ आपसे कुछ कहती नहीं और बाबा उन्हें कहने देते नहीं, और मैं तो आपको ये सारी बातें खत में लिख कर भेजने की बस ख्वाहिश कर सकती हूँ। काश मुझे आपकी तरह पढ़ाया लिखाया होता, काश दूसरी कक्षा में मैं सिर्फ लड़की हूँ इसीलिए स्कूल ना छुड़ाया होता। मेरी तो तभी किसी ने ना सुनी, आपने कहा तो सुन लेते, फिर मैं आपको खत लिख पाती इन कोरे पन्नों पर। लिफाफे में खाली राखी भेज रही हूँ, पोस्टमैन चाचा पता लिख देंगे। आपकी अनपढ़ बहन छोटी। थैंक यू।